What's up guys, welcome back to our channel. So today I'm going to react on my Instagram account. क्या बोला तूने? My Instagram account. तुम्हारे साले का खोपड़ी तोड़ साले का. वो क्या करता है रे तेरी तो? मजाक कर रहा हूँ. तो आज फाइनली मैं रिएक्ट करने वाला हूँ रिया शर्मा इंस्टाग्राम अकाउंट. वैसे अगर इस वीडियो को और लेट करता ना तो आप लोगों ने सच में मेरी खोपड़ी तोड़ देनी थी. कुछ भी. और मुझे अपनी खोपड़ी बहुत प्यारी है. तो इससे पहले कि आप लोग मेरी खोपड़ी तोड़े तो आओ रिएक्ट कर देते हैं रिया शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे. एनीवे लेट्स चेक इट आउट. वेट, उससे पहले मैं अपनी प्रमोशन कर देता हूँ. हाँ ये कर लो पहले. तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट. अगर आप में से किसी ने फॉलो नहीं किया तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फॉलो मी. दैट्स इट. बाकी देखते हैं कि रिया शर्मा के इंस्टाग्राम पे क्या क्या है. और लास्ट टाइम जब मैंने ओपन किया था तो वो तब ओपन किया था जब मैंने उनका ड्रामा स्टार्ट किया था ये रिश्ते हैं प्यार के यानी कि मिशबर. उस दौरान जो है वो सर्च वाले पेज पे जो है उनकी फ़ोटो आई थी. तो जब मैंने अकाउंट खोला तो मुझे इतना याद है मैंने कोई पिक्चर नहीं ओपन की थी. हाँ एक ब्लैक ड्रेस वाली कोई पिक्चर थी. अगर वो अभी अकाउंट पे अवेलेबल है तो आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये वाली पिक्चर मैंने देखी थी. और उसके अलावा मुझे इतना याद है कि उनके 4 लाख प्लस जो है वो फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम. तेरे बाप को मत सिखा चल. एनीवे देखते हैं कि रिया शर्मा के इंस्टाग्राम पे क्या क्या है. सो लेट्स चेक इट आउट. ओके सो दिस इज हर अकाउंट रिया शर्मा. और ब्लूटिक भी है. और मैंने बोला था कि 4 लाख प्लस फॉलोअर्स है. देख लो 448K फॉलोअर्स है और 0 फॉलोइंग. Why? Anyway, सबका अपना अपना मन है. जो करेंगे वो करेंगे. खैर और बायो में भी कुछ भी नहीं लिखा आर्टिस्ट. और वैसे आप लोगों ने बोला था कि ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है. मतलब महीनों बाद एक फोटो दो फोटो डाल देती है. सो आई डोंट नो कि वाई शी इज़ नॉट एक्टिव. अगर और कोई प्लेटफॉर्म है ट्विटर या फेसबुक पे शायद ये एक्टिव होंगी. इंस्टाग्राम पे तो आजकल हर छोटा बड़ा यार एक्टिव है. ये क्यों एक्टिव नहीं है. एनीवे लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. नाइस. दिस इज आल्सो फ्रॉम मिशबर मुझे ऐसा लगता है. लाइक कर देते हैं. नाइस पिक्चर डिसेंट. सेकंड पिक्चर शॉर्ट्स में मैंने कभी सोचा भी नहीं था. सोचिए टाइम्स आर टफ यू गॉट अ स्माइल एंड लेट द स्टॉर्म पास. नाइस नाइस पिक्चर. Oh, this one is cute. Too good. Smiling face, eh? Who are they? Oh, ये भी उसी शो के लग रहे हैं. सारे फोटोज उसी शो के हैं मुझे ऐसा लगता है. Nice one, ना? Oh, राजवंश परिवार. नाइस वन यार. ये सेट मुझे बहुत पसंद आया था यार. इसके जो दो सीढ़ियाँ थी ना जो ऐसे करके जाती थी बहुत ज़बरदस्त. मतलब पिक्चर तो बनता है उन सीढ़ियों पर. और इन्होंने खींचा भी है. और ये ड्रेस मुझे याद है ये लास्ट एपिसोड्स में से किसी एक एपिसोड में इन्होंने पहना था ये ड्रेस. नाइस. एनीवे लेट्स सी ए वीडियो. हाँ cute. सवाल हमारा नहीं और आने वाली पीढ़ियों का. अगर याद हो तो ये वीडियो हमने देखी थी शाहिर शेख के इंस्टाग्राम अकाउंट पे. तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन या यहाँ ऊपर कार्ड में आ रहा होगा या इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो. पार्ट टू में शायद ये वीडियो हमने थोड़ी बहुत देखी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ. मैंने लाइक भी किया है. ये मैंने कब लाइक किया. आई थिंक मैंने एक हैशटैग सर्च किया था सुशांत से रिलेटेड तो उसी में आई होगी ये फोटो. मैंने लाइक किया है मुझे याद भी नहीं है. आई थिंक मैंने कोई सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई हैशटैग सर्च किया था तभी ये फोटो सामने आई होगी आई थिंक. एनीवे लेट्स चेक आउट दिस पिक्चर. ये तो शूटिंग के दौरान ही लगे बिहाइंड द सीन. हैप्पी बर्थडे रॉकस्टार. ओके
हैप्पी बर्थडे के दिन ही पोस्ट होते हैं ऐसे फोटोज। कुछ भी ओ दिस वन, ये ड्रेसिंग जब आई थी ना शो में, आई डोंट नो कि कौन से एपिसोड में थी, तो मेरे मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकलेगी, वाओ ब्यूटीफुल। मतलब ये ऊपर जो भी पहना है ना वो बहुत खूबसूरत था यार, मेरे बाल ख़राब हो गए वो बहुत खूबसूरत था। थैंक यू फॉर द एक्सट्रीमली प्रीटी लुक। ओके नाइस, लाइक कर देते हैं यार। और फोटोज़, ये तो फ्लावर्स वगैरह के साथ है, सुपर्ब। चलो कुछ नया करते हैं पोस्ट क्यूट। वैसे यहाँ पे एक वीडियो थी, हाँ ये वाली, ये इतनी छोटी क्यों है यार, आई डोंट नो ये व्हाई दिस इज सो स्मॉल। सबकी फोटोज है इस वीडियो में, लेकिन पता नहीं इंस्टाग्राम का क्या मसला है। पहले इतना बड़ा जब वीडियो ओपन करते थे तो काफ़ी अच्छी बड़ी स्क्रीन आती थी, पता नहीं ये सेकंड वीडियो है जब मैं ओपन करता हूँ तो इतनी छोटी सी स्क्रीन आती है, पता नहीं क्यों। एनीवे लेट्स मूव ऑन। ओ दिस पिक्चर, यहाँ पे रामचरण का एक सॉन्ग भी शूट हुआ है, अगर किसी को याद हो फिल्म में, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था वो, वन ऑफ माई फेवरेट हॉलीडेज। नाइस, बाकी सब पिक्चर्स जो है वो उस शो से रिलेटेड है इस बंदे के साथ। वैसे इस बंदे की एंट्री जब होती है तो ड्रामा और भी खूबसूरत हो जाता है, मतलब बोरिंग होने ही लगता है कि इस बंदे की एंट्री हो जाती है, तो इसका भी काफ़ी बड़ा किरदार है। नाइस, ये रहा वो पिक्चर, जब मैंने ओपन किया था इंस्टाग्राम अकाउंट फर्स्ट टाइम तो मैंने यह फ़ोटो देखी थी, और ये रिसेंटली ही अपलोडेड थी, मतलब फर्स्ट पिक यही थी। तो मैंने ओपन किया, मैंने कहा अच्छा ये रहा फ़ोटो, यही थी वो फ़ोटोज़। और मैंने लाइक भी नहीं किया था क्योंकि मैंने शो ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, तो ये वाली फ़ोटो थी कुहू के साथ। इसके बाल तो स्ट्रेट है, ये कैसे सोचिए। नाइस पिक्चर यार, अच्छा और भी है ये, इनको मैंने कहीं देखा है, कहीं तो देखा है। मामी जी तो बहुत मॉडर्न है, सुपर। हैप्पी बर्थडे माय लवली दोस्त, यू आर one of special person and I am lucky to have you in my life, wishing you all the happiness and good things in life, Kaveri Priyam। वैसे इनके Instagram के account पे भी ओ जुगनू जी भी है, इस बार इग्नोर नहीं हुए पिछली बार सब में इग्नोर किया था, आप लोगों ने कमेंट पे कमेंट किया था कि भाई इग्नोर कर दिया आपने जुगनू भैया को, वो मैंने देखा नहीं था दरअसल, इस बार आ गए फ्रेम में आ गए, क्यूट है यार ये बंदा। वैसे कवीरी प्रेम के इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बड़ी माँ के साथ क्यूट, ठीक भी है। लाता सबरेवाल, आई थिंक इनका नाम लाता है, अवार्ड भी मिला है। ओह हो पाउट, नाइस, लाइक कर देते हैं। ओ ये तो नच बलिए वाले परफॉर्मेंस है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बोल रहे थे, बट मैंने ट्राई किया, मैंने सिर्फ ये वीडियो अपलोड की तो ये फटाक से ब्लॉक हो गई, तो अगर मैं रिएक्ट भी करूँगा तब भी ये ब्लॉक ही होगी, तो फिर रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आप लोग देख ही नहीं पाओगे तो ब्लॉक हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ जो जिस पर मैंने रिएक्ट किया है, चाहे वो बेस्ट सीन हो या जो भी हो, तो वो ब्लॉक हो चुकी है, तो बहुत बुरा लगता है यार। फिर ओ सारी ख्वातीन एक ही फ्रेम में, सुपर। वैसे मुझे अभी तक समझ में नहीं, इन्होंने ये परमानेंट करवाया था क्या नाम है इनका शो में, पारुल मासी, ये जो यहाँ पे स्टार स्टार है या डॉट डॉट है जो भी है, आई डोंट नो कि ये इन्होंने परमानेंट करवाया या सिर्फ इस शो के लिए करवाया है, और ये कौन सा स्टाइल है मुझे समझ में नहीं आया यार, क्या क्या स्टाइल
करते हैं डिजाइनर्स। दो वीडियोस देख लेते। दिस म्यूजिक सुपर्ब यार। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को वीडियो छोटी दिखा रही, क्योंकि मुझे भी उतनी ही दिखाई दे रही है। सुपर्ब था। मैं कॉपीराइट नहीं चाहता इसलिए यहीं पे रोक देते हैं, वरना मज़ा तो बहुत आ रहा है। ये दूसरी वीडियो देख लेते वैसे। यार ये सॉन्ग बहुत खूबसूरत है, मैंने रिएक्ट किया है तो जाके देख लेना वो वीडियो। अभी नहीं चला सकता, कॉपीराइट का इशू है तो समझ जाओ यार। बाकी ये पिक्चर देखते हैं एक सुपर। ये दोनों कमाल के हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो सुपर है। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे यही आया था कि जो भी मतलब इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता था ना, वो एक दो एपिसोड में ही सॉल्व हो जाता था। ये बात बहुत जबरदस्त लगी थी मुझे। एक और वीडियो देखते हैं। सुपर्ब है, सुपर्ब। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेस्ट है बेस्ट। ओके और भी फोटोज़ हैं तो आई थिंक पार्ट का छोड़ो। मुझे एक पिक्चर नज़र आया सुपर्ब। मैंने ऐसी फ़ोटो क्लिक करने का बहुत ट्राई किया बट पता नहीं किसी ने ऐसा लिया ही नहीं। मतलब ये देख रहे हो नीचे थोड़ा सा ब्लर है जो भी चीज़ है, और ऊपर में भी वो थोड़ा सा ब्लर है और वो जो है वो फोकस में है। तो ऐसी फ़ोटोज़ बहुत खूबसूरत आते हैं और इनका तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त। आई थिंक यही पे रोक देते हैं, मोटरसाइकिल पे भी बैठिए। ओके तो बस यही थी आज की वीडियो, और अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाकी पिक्चर्स तो मुझे बहुत पसंद आए, और आई डोंट नो कि ये एक्टिव क्यों नहीं है इंस्टाग्राम पे, रहना चाहिए यार एक्टिव। और आजकल तो हर छोटा बड़ा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे और ये नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोगों को कुछ मालूम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एनीवे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इतना डिले करने के लिए बहुत बहुत सॉरी। आई एम रियली सॉरी यार, वो गर्मी थी तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस रूम में मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ उस रूम में बहुत गर्मी होती है, और बस यही एक रीज़न है। और आज मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बाहर बहुत मज़े की बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत ही सुहाना सुहाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। With the